लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध और इसके साथ ही पाटन में जिस तरह से शराब की दुकान में लूट के नाम पर तेजी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें जेल भेजा गया है, उस पर सांसद विजय बघेल द्वारा आमरण अनशन जारी है। वहीं इस विषय को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के समक्ष अपनी बातें रखने पहुंचा। यहां उन्होंने राजमाता से आग्रह करते हुए कहा कि जल्द ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर गृह मंत्री से चर्चा कर इस मसले की पूरी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर मंगवाई जाए। वहीं डॉक्टर अमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया राज्यपाल ने भी उन्हें आश्वासन दिया है, वे इस मामले को लेकर गृह मंत्री और प्रशासन से बात करेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को बेवजह जेल भेज दिया गया है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, उस मसले पर भी हमने राज्यपाल से चर्चा की और राज्यपाल से इस विषय पर रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह किया है। एक पूरी छत्तीसगढ़ की कानून की व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ी है और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक की तरह देख रही है, रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के सभी कोने में न केवल लूट और हत्याओं की घटना हो रही है, बलात्कार की घटना हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का मुखिया भी किस प्रकार कार्रवाई करता है। इस जब महामहिम जी से मिल करके विस्तृत जानकारी देने के बाद में कि उसके एक रिपोर्ट आ जाए और जानकारी आ जाए, उचित कार्रवाई हो, और जब मुख्यमंत्री और मंत्री यदि सो जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाए, तो आखिर हम कहाँ जाएं? तो वहीं महामहिम से मिलने के लिए आए थे और संपूर्ण घटना के जानकारी को बताया।